नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान राजनीतिक मोड़ भी लेने लगा है। राजनीतिक पार्टियां इसका लाभ लेने के साथ साथ पार्टी के नेता विवादित बयान देने से भी गुरेज नहीं करते। अब देख रहे हैं कालावाली पल पल से विमल गुप्ता की ये रिपोर्ट। आज कालावाली में नशा मुक्ति को लेकर के हरियाणा मजहबी सिख महासभा के बैनर तले सिरसा की इकाई ने भी एक रैली निकाली। इस रैली को SP हामिद अख्तर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली खेरी का पनीवाला मोटा ओढ़ा से होते हुए कालावाली के क्रांतिकारी चौक पर पहुंची, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा मजहबी सिख महासभा के उपाध्यक्ष निर्मल सिंह मल्डी कर रहे थे। क्रांतिकारी चौक पहुंचने पर इस रैली का स्वागत निर्मल सोच चैरिटेबल ट्रस्ट व नई सोच चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा किया गया। इसके बाद में रैली का स्वागत अनाज मंडी में सरदार दलजीत सिंह की दुकान पर रैली का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला मानव अधिकार मिशन के जिला सचिव कृष्ण जिंदल, पार्षद संजू वर्मा, निहाल सिंह, केंत, पंकज महेश्वरी आदि सभी लोग उपस्थित थे। इस रैली में पीली टी शर्ट पहने कुछ नौजवान भी मौजूद थे, जिन्होंने रैली के साथ चलते चलते वंदे मातरम का नारा दिया। लेकिन रैली के साथ चल रहे मजहबी सिख महासभा के पूर्व अधिकारी व आम आदमी पार्टी के नेता मेजर सिंह खतरावा ने उन्हें तुरंत रोक दिया। जब हमारे संवाददाता ने मेजर सिंह खतरावा से पूछा कि आप वंदे मातरम कहने पर क्यों रोक रहे हैं, तो उनका जवाब बड़ा ही अटपटा था। उन्होंने कहा, वंदे मातरम RSS से संबंधित है, लेकिन हमारी इस रैली के अंदर इस तरह का आयोजन के दौरान वंदे मातरम कहना बिल्कुल जायज नहीं है। उन्होंने वंदे मातरम को RSS से संबंधित बता दिया। वंदे मातरम साढ़े काफले च ना कहो ना।